अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल सितारे और आज हम बनाएंगे आउटर 45 कैसे बनता है 100 mm की ट्रंक में। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको तैयार करते हैं। इसके लिए हमें एक ट्रंक ली है, ट्रंक की ऐसे जितनी आपको चाहिए, जहाँ पे आप हमें 45 चाहिए उतना हम इसकी पैमाइश करेंगे और वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। निशान की जो दोनों जानेब 4 सेंटी और 2 mm का जो है निशान लगाएंगे सेंटर से, जो हमने पहले लाइन लगाई है। दोनों तरफ इसका जो है 4 सेंटी और 2 mm का निशान लगाएंगे। लग चुकी हैं और अभी जो है साइड से हम इसका जो है मार्किंग करेंगे। पहले सेंटर वाली लाइन को खींचेंगे, तो हमारी ट्रंकिंग में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। चार सेंटी और 2 mm का जो हमने सेंटर से साइड की तरफ जो हमने पैमाइश ली थी उसको सेंटर के साथ इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं इसको मिला देंगे क्रॉस। दोनों तरफ से सेंटर के दोनों तरफ से हमने जो 4 सेंटी और 2 mm का जो और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे इसका मार्किंग करेंगे। जो है सेंटर वाली लाइन को खींचेंगे सीधा, उसके बाद जो हमने साइड से 4 सेंटी और 2 mm का जो साइज लिया था उसको सेंटर के साथ इस तरह निशान लगा देंगे। जो हमने पैमाइश की है पहले उसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि वो जो हमने पैमाइश की है वो बिल्कुल भी सही है। तो माजरत कहाँ है, जो हमने पेंसिल इस्तेमाल की है वो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप आवाज़ से जो है कोशिश करें सीखने की।
जो सेंटर वाला इसका है साइज जो हमने 4 सेंटी और 2 mm का दोनों तरफ लिया था उसको अंदर से निकाल देंगे और नीचे जो टंकी के जो कॉर्नर है उसको नहीं काटना। तो ये हमारी टंकी काट के तैयार हो चुकी है, 45 आउटर तैयार हो चुका है और ये हमें पहले रेडीमेड मिला था तो उसकी वजह से हमने साइड दोनों साइडों से इसको काट दिया है और उसको जो है रेडीमेड बनाने की कोशिश की है। और इसको अंदर से आप देख सकते हैं तो अभी हम इसको दोनों इसको बेंड कर देंगे और ये हमारा आउटर 45 तैयार हो चुका है। तो आप भी समय इस तरह जो है बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।